हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी बजे हैं सुबह के 6 और मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अभी जो मई जून का महीना आ गया है और इस जो महीना होता है इसमें टेम्परेचर आपका 40 to 45 अबव जाता है, तो हमको अपने पौधे को, गार्डन लवर है वो भी अपने बच्चों की तरह हम संभाल के रखते हैं, और अभी ये भी लिविंग थिंग है और इनको भी धूप जो होता है, अभी का जो धूप होता है वो जला देता है, हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं तो पौधे कैसे बर्दाश्त करेंगे। तो कुछ अरेंजमेंट हमको अपने गार्डन में ऐसे करना चाहिए ताकि ये जो 2 महीने हैं मई और जून का, ये बहुत अच्छे से बर्दाश्त कर लें पौधे, और फिर उसके बाद तो बरसात आ जाना, उस समय हम अच्छे से सजा के रख देंगे अपने पौधे को। अभी जो हमारा जो मेन फोकस है ये कि समर में कैसे अपने प्लांट्स को स्कॉर्चिंग हीट से बचा के रखें। तो चलिए आइए मैं दिखाती हूँ कि मैंने ऐसे कौन कौन से टिप्स अपनाए हैं जिससे कि मैंने अपने पौधों को बहुत अच्छे से समर्स में बचा के रखती हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं वीडियो को। तो हमको गर्मी से बचाने के लिए सबसे पहले अपने पौधे के साथ ये करना है कि जितने भी हमारे पौधे हैं जो कि वेस्ट साइड फेसिंग है, उनको आपको शिफ्ट कर देना है एक ऐसे प्लेस में, शेडी एरिया में, या फिर आपको किसी भी ग्रीन नेट में शिफ्ट कर देना है, जिससे कि हमारे जो पौधे हैं वो 12 बजे के बाद जो धूप आती है जो कि वेस्ट फेसिंग होती है उससे ना डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके आ पाए, क्योंकि जो 12 बजे के बाद की जो धूप होती है वो बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहती है। तो सबसे अच्छा है कि आप किसी भी कपड़े से या ग्रीन नेट से इनको शेड प्रोवाइड कर दें, या फिर एक ऐसे एरिया में शिफ्ट कर दें जहाँ कि आपके पौधे लोगों को सुबह की बस धूप मिलती हो, ज़्यादा लेट की धूप ना मिलती। तो फ्रेंड, सेकंड काम हमको ये करना है कि जितने भी हमारे पौधे हैं उनको एक ग्रुप में छायादार प्लेस में आपको एक साथ में रखना है। अभी सजा के हमको पौधों को नहीं रखना है, हमको 2 महीना जिंदा रखना है, जिससे कि हम मिनिमम पानी भी यूज़ करें, क्योंकि अभी गर्मियों का मौसम आ गया है तो पानी भी आपको ज़्यादा नहीं अवेलेबल होगा और पानी हमको 4-5 बार नहीं दे पाएंगे। तो इनको एक ग्रुप में रखा जाए जिससे कि इनको एक दूसरे का मॉइस्चर मिलता रहे, जंगल की तरह कर दीजिए, जैसे कि मैंने सारे पौधों को एक साथ कर दिया, तो एक दूसरे के मॉइस्चर से, एक दूसरे की ह्यूमिडिटी से वो अपने आप को बहुत अच्छे से रख सके। जो तीसरा काम आपको करना है वो है मल्चिंग। गर्मियों में मल्चिंग का बहुत ज़्यादा फायदे हैं। मल्चिंग के लिए आप सूखे पत्ते ले सकते हैं, या फिर ऐसे मैंने कुछ पीनट के सेल लिए हुए, या फिर आप कोकोपीट भी ले सकते हैं, या फिर मॉस भी ले सकते हैं। उसको आपको अपने गमले की जो सॉइल है उसको आपको बहुत अच्छे से कवर कर देना है, जिससे कि वो एक ह्यूमस की तरह भी काम करे और हमारे सॉइल से जितने भी मॉइस्चर है, वाटर है, वो इवोपरेट ना हो और वो बहुत देर तक आपकी जो मिट्टी है वो गीली रहे। तो मल्चिंग जो है वो मस्ट है। और मल्चिंग आप कोकोपीट या नारियल की जो भूसा है उससे भी कर सकते हैं, या फिर आप जैसे मैंने ये पीनट सेल से किए हैं, या फिर आप ड्राइड लीव से कर सकते हैं। तो मल्चिंग बहुत अच्छा ऑप्शन है। फ्रेंड्स, तो जो फोर्थ पॉइंट है वो है प्रूनिंग। हमारे जितने भी हार्ड वुड के पौधे होते हैं, जैसे रोज होता है, हिबिस्कस होता है, उनको आपको अभी प्रूनिंग कर देनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बड़े रहेंगे तो वो ज़्यादा एनर्जी लेंगे और ऊपर के जो स्टिक्स हैं उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगा। तो सबसे पहले आपको अपने हार्ड वुड के पौधों को प्रूनिंग कर देनी चाहिए। प्रूनिंग आपको सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है, ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है। प्रूनिंग करने से ये होगा कि जितनी भी एनर्जी हमारे पौधे की रहेगी वो न्यू बर्ड्स लगाने में लगेगी, और अभी का जो मौसम है वो प्रूनिंग के लिए बेस्ट होता है, क्योंकि अभी हमारे पौधे बहुत जल्दी से बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो कि हमको गर्मी में ध्यान देना है वो है वाटरिंग। वाटरिंग बहुत ज़रूरी है, और आपको ये भी ध्यान देना है कि जो ग्राउंड में आपके फ्लावर लगे हैं उनके लिए तो चल जाएगा, ठीक है कि उनको ज़मीन से मॉइस्चर मिलता रहेगा, वाटर मिलते रहेंगे, मगर जो आपके पॉट्स, जितने भी आपके पॉट्स में पौधे हैं जैसे कि ये सब, तो इनको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। तो अभी पानी आपको मॉर्निंग में ही देना है, 2 टाइम आप दे सकते हैं, इवनिंग में भी आप दे सकते हैं, मगर जो मॉर्निंग की जो वाटरिंग है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और वाटरिंग आपको ऐसे करना है ताकि इनको पूरा स्प्रे से नहा ले, जैसे कि हमको नहाना पसंद है वैसे ही पौधों को भी नहाना पसंद है। तो हमको वाटरिंग ऐसे करनी है कि इनको पूरे पत्तियों को अच्छे से नहलाना है, इससे हमारे पत्तियों के डस्ट भी निकल जाएंगे और साथ साथ में इनके जो लीव्स
से जो मॉइस्चर है वो दिन भर इनको जो स्कॉर्चिंग हीट है उससे को झेलने की भी हिम्मत देगा। और साथ में वाटरिंग हमको जो मॉर्निंग की वाटरिंग है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि दोपहर का जितना भी हीट है हमारा समर हीट है उसको ये बहुत अच्छे से बर्दाश्त कर सकें। तो वाटरिंग आपको सुबह करनी है, शाम को आप वाटरिंग कब करिए उस पौधों को कर दीजिए ग्रीन के, जिनके कि सॉइल आपका बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया है। तो जो फिफ्थ पॉइंट है ये है हमारा ह्यूमिडिटी को मेंटेन करके रखना है अपने पौधों को। जैसे कि मैंने ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए आपको देखिए ये जो मेरे बड़े गमले हैं उसके अंदर मैंने छोटे छोटे गमलों को, जितने भी छोटे छोटे मेरे गमले हैं उसको ऐसे करके रख दिया हुआ है। ऐसे रखने से फायदा ये है कि आपके जितने भी छोटे गमले हैं जिनकी मिट्टी जल्दी सूख जाती है वो इन बड़े गमलों से अपना मॉइस्चर खींच लेंगे, और साथ में ये जो बड़े गमलों की जो भी मिट्टी है वो भी जल्दी आपकी सूखेगी नहीं, और वो भी मॉइस्चर मैंने कि एक दूसरे का ये हेल्प करते रहेंगे। तो सबसे आपको जरूरी काम ये करना है कि इनको छोटे जितने भी छोटे गमले हैं आपको बड़े बड़े गमलों में आप रखते हैं, जो जैसे कि कंटेनर अरेंजमेंट बोलते हैं वैसे कर देंगे तो आपके गमले जल्दी सूखेंगे नहीं। तो फ्रेंड्स जो फिफ्थ पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कि आपको जितने भी अपने पौधे हैं उसका मॉइस्चर लेवल को मेंटेन करना है, ह्यूमिडिटी को मेंटेन करना है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप किसी भी कंटेनर में पानी भर के उसको अपने पौधों के बगल में रख दें, कि जब वो पानी इवोपरेट हो तो वो इनके लीव के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाए, और ये जो अपना गर्मी में बहुत अच्छे से अपना ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर लेवल को मेंटेन करके रखे। मॉइस्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके पौधों को हेल्दी रखने के लिए, क्योंकि अभी का जो सिचुएशन है गर्मी में इसमें जो सीज़न होता है बहुत ज़्यादा ड्राई होता है। तो अगर आप मॉइस्चर लेवल मेंटेन करेंगे उसके लिए आपको एक बकेट में चाहे बाल्टी में चाहे कोई भी चीज़ में पानी भर के अपने पौधों के बगल में रखना है, और ये बहुत ही बेस्ट तरीका है पौधे को वाटरिंग करने के लिए, इनका मॉइस्चर मेंटेन करके रखने के लिए। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आप भी अपने पौधे को बहुत अच्छे से गर्मियों में बचा के रखेंगे, और 2 महीना बाद बस है और उसके बाद आप बरसात में बहुत अच्छे से अपने हेल्दी से पौधे को निकाल के बरसात में रख देंगे। तो गर्मियों में आपको सजाना नहीं है अपने पौधे को, बहुत अच्छे से बचा के रखना है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ एक लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।